सारा विषय हिंदी में आपका स्वागत है। पुस्तक आरोह से आज हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड में कवि हरिवंश राय बच्चन को। बच्चों, इनकी कई कविताएं आ चुके हैं, जिसमें से अग्निपथ एक है, जिसे शायद आपने पिछले या उससे भी पिछले साल पढ़ा था, नवीं या दसवीं में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी हरिवंश राय बच्चन का। इनका जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी इत्यादि। बच्चों, इनकी आत्मकथा चार खंड में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इनकी आत्मकथा के चारों खंड हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में उपलब्ध है। हरिवंश राय बच्चन वे कवि हैं जो छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कहते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन की जो घटी घटनाएं हैं, उनकी सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति बच्चन के कविता में प्रकट हुई है। यहाँ हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, वह कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कविता उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण में से लिया गया है। गीत में प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि सुबह होना, दोपहर होना, शाम होना के संदर्भ में मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। किसी प्रिय का आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अर्थात जब हमें लगता है कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है और वो उस इंतजार में बहुत ज्यादा प्यार है, तो हम उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ, पथ यानी राह, रास्ता, ढलता, ढलता यानी समाप्त होता, अंत होता। कवि कहते हैं दिन भर थक कर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री जब देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है, उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए। इसलिए अत्यधिक थके होने के बावजूद भी वह अपने प्रिय से मिलने के लिए जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय के मिलन की आतुरता के कारण उसे ऐसा लगता है कि दिल जल्दी जल्दी ढल रहा है, उसे लगता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यह प्रिय पात्र कोई भी हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसकी प्रियतमा हो सकती है, या उसका और कोई प्रियजन भी हो सकता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, प्रत्याशा का अर्थ है आशा, और नीड़ का अर्थ जानते हैं आप, घोंसला, पर यानी पंख, चंचलता यानी तीव्रता, तेजी। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कवि कहते हैं कि जो एक चिड़िया जब आकाश से उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही है, तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, बच्चे मेरी प्रत्याशा में होंगे, आशा में होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। और जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके मन में उसका ममत्व, उसका प्रेम बढ़ने लग जाता है, और बच्चों से मिलने की जो लालसा है, जो इच्छा है, उसके पंखों की गति को बहुत तेज करती है, वह तेजी से उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूं लगता है कि मानो बहुत तेजी से दिन ढलने लगा है, और वह इस व्यग्रता में बहुत तेजी से उड़ती है ताकि वह अपने बच्चों तक पहुंच जाए और दिन अपने क्रम में
जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, उड़ता भर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल, विकल यानी व्याकुल, हित, हित यानी के वास्ते, के लिए, चंचल, चंचल यानी गतिशील, क्रियाशील, व्यग्र, शिथिल, शिथिल यानी ढीला, पद, पद यानी पांव, उर यानी हृदय, मन, विहलता, भाव है, भावना, भाव, आतुरता, उमड़न। कवि कहते हैं, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है, प्रेम के अभाव में, प्रेम के इंतजार के अभाव में मैं यह सोचकर ढीला पड़ जाता हूं और मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफरने लगती है और मैं जल्दी चलने की कोई कोशिश नहीं करता हूं। सार यही है कि यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता है, वरना समय काटने से भी नहीं कटता है। तो पूरी कविता का सार यह है बच्चों कि जब हमारे मन में किसी अपने से मिलने की व्याकुलता होती है, किसी अपने के अपने से मिलने की प्यार भरी निहार, आपको माफ कीजिएगा, कोई अपना हमें प्यार भरी आंखों से निहार रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कब आएंगे, हमें कोई झांक रहा है, तो कितना ही भी थकान हो सब दूर हो जाती है और मंजिल के पास पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, हमें और तेज चलने की जरूरत है। धन्यवाद।